इन पंजाब बेसिकली मतलब सब लड़कियों का होता है कि उसको चूड़ा का ना चूड़ा का सभी को बहुत चाह होता है मतलब एवरीवन इन इंडिया आई गेस सो दैट्स व्हाई मोटिव था थोड़ा सा डिले हो गया था हमारी रिलीज में हमने पहले रिलीज कर लेना था तो वेडिंग सीजन है मेरा पहला पैपी नंबर है वेडिंग सॉन्ग सो यही मोटिव था कि सब लोग इंजॉय करें सब लोग इंजॉय कर रहे हैं सो आई एम वेरी हैप्पी आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट ये अनप्लान्ड वे में डिले हो गया फर्स्ट पहले बहुत पहले आने वाला था थोड़े दिन पहले बट ये डिले हुआ इनफैक्ट अच्छा हुआ क्योंकि ये जो सीजन है दिवाली चल रही है भाई दूज भी था फेस्टिव सीजन यू नो देयर सो मेनी फेस्टिवल्स एंड देन वेडिंग सीजन भी आ गया है सो आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट चूड़ा इज रिलीजिंग एट द बेस्ट परफेक्ट टाइम एंड सब लोग इतना प्यार हो रहे हैं सो एवरीथिंग इज गोइंग सो होपफुली सो सो दिस इज योर फर्स्ट कोलैब आई गेस राइट यस यस ओके सो एनी फर्दर कोलैब्स You both? Absolutely. I would love to. And Nick se main pehle mili bhi nahi thi. Before this song, I met him just when we were shooting. But it didn't feel like that, you know. When you are working with good people, you're working in a very good atmosphere, bang music, jitne bhi log hain. They're so sweet and welcoming, so warm. So I would definitely love to collab again. We are working for the very first time abhi. Aur hum logon ko shoot pe kabhi bhi aise nahi laga ki hum logon ko laga ki hum vibe kar rahe hain. Koi shoot wala koi mahol nahi tha wahan pe. So we are enjoying all the time. काफ़ी सारी चीज़ें लाइंड अप हैं काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मेरा यारी रिलीज हुआ था रिलेशन रिलीज हुआ था उसको बहुत सारा प्यार मिला है दे आर लाइक 300 million प्लस राइट सो उन पे काम चल रहा है काफ़ी सारी चीज़ें बॉलीवुड में भी कमिंग अप है एंड लेट्स सी कब तक आता है बात जैसे भी हो गया लेट यू नो गाइस आपको क्या डिफरेंस लगता है पंजाबी सॉन्ग्स और ये बॉलीवुड सॉन्ग्स अकॉर्डिंग टू मी पंजाबी म्यूजिक इज लाइक है ना जो सबको पसंद आता है सब लोग बंदे किसी को समझ नहीं आ रहा लेकिन वो उसके वाइब कर सकता है राइट बॉलीवुड इज लाइक ऑल टाइम आप कभी भी सुन सकते हो बॉलीवुड आपको यहाँ से लाके जो बंदा जितना मर्जी डिप्रेस है जितना मर्जी खुश है उसको उसके जोन में रखता है कुछ मैटर नहीं करता सो सेम लाइक पंजाबी म्यूजिक कि जो भी होता है बंदा वाइब कर सकता है उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा बट ऑल आर वाइब आपका सॉन्ग जो थीम रहेगा लगता है कि पार्टी सॉन्ग रहेगा जो वेडिंग सीजन हां आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट मतलब मेरे आगे डांस नंबर काफी सारे आने वाले हैं सो अभी वेडिंग वाला छूड़ा आ गया सो जैसे जैसे चीजें फर्दर आगे होंगी सो सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी थैंक यू हाय आई हैड वन क्वेश्चन हियर दिस क्वेश्चन इज फॉर अनुष्का श्योर यू आर एन इन्फ्लुएंसर यू आर अ कंटेंट क्रिएटर बेसिकली व्हाट challenges do you face when you talk about acting being a content creator and being so famous already on social media thank you so much for the question so it's very interesting that you know when I was 9 I started acting and I constantly was acting in different projects and 5 years back I started creating my own content I learn different things from both the you know industries and I feel I'm just very blessed and lucky that I get to do both and people know me as you know actor all the roles that I've done before and I've done really good projects and I've worked with really talented and good directors and actors but on the other hand being an influencer I get to do my own thing you know my own content I am the writer there I am the cameraman I am the one who acts in it so It just teaches me so much, and I'm actually doing filmmaking. I'm studying right now, second year filmmaking. I'm in college right now, so it's helping me. All of these experiences, they help me a lot. That's really amazing. Thank you. Also, a question for Nick: What made you choose Anushka as your co-star? I would like to know that. Tough one, right? मतलब एक as I said है ना कि मतलब we both work rare, right? मतलब मैंने अनुष्का के इतने ज़्यादा music videos नहीं देखे हैं, है ना? है ना सो मतलब मैं भी थोड़े टाइम बाद गाना करता हूँ कुछ भी म्यूजिक वीडियो करता हूँ तो मेरे को होता है क्वालिटी काम करो सो मेरे को ये था कि रेयरली और जैसे चूड़ा आपने गाना सुना राइट तो मेरे को था कि हम दोनों सेम नेचर के मेरे को इसको इंस्टाग्राम को देख के भी लगता था हम लोग मिले नहीं थे सो यही सीन था कि लाइक मेरे को लग रहा था कि हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत जमेगी सो मेरा मन भी था मतलब सारी टीम का बहुत ज़्यादा मन था क्योंकि सबको इसका कंटेंट जो भी मतलब अब तक किया है अनुष्का ने आई थिंक माय फैंस ओके अनुष्कियंस आई कॉल देम I feel they are like a shield for me, you know, they're like a shield. They don't let the negativity come in. And as a person, I feel, because I think it's been 10 years in this industry, I understand that every time, everybody's not going to think the same way. Every time, everybody's not going to appreciate you, right? Sometimes some people are going to be against you, but that's good. It should be like difference of opinion should happen so that
you know, critical, sometimes criticism happens and you understand that, you know, sometimes they are right, sometimes okay, you are probably not doing good. But sometimes if it's happening, like trolling is, you know, unnecessary. But I don't get to see that a lot because I have this huge shield of Anushkians, you know, on my Instagram. I don't get to see the negativity. But all the people, what I was saying earlier is for all the people who do face trolling and who feel or take this very seriously. I don't take Instagram very seriously. I just do it for fun. I'm like, okay, I'm out, I'm chilling, I'll just post a picture. Dude, guys, I'm in Goa. You know, I'm with Nick, I'm enjoying here. I just do that. I don't take it as a job. If you take it as a job, I think it just gets to you. That's very true. All right, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you, guys. ये किसका है? अनुराधा। बाद में रखना ऊपर। ऑडी चेक। नहीं। जाओ। बूम रख दो। ओह नाइस। बूम आगे करो और आगे। बूम आगे करो। ऑडियो नहीं आएगा। चूड़ा। और रखो कौन रख रहे? शर्मा जी। मैं बहुत खुश हूँ, हम बहुत वेट कर रहे थे हम दोनों की ये गाना कब आएगा, कब सब लोग देखेंगे, एंड फॉर्चुनेटली इट्स आउट एंड इट्स डूइंग रियली रियली ग्रेट। ये मेरे बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है, ऐसा मैंने प्रोजेक्ट पहले किया नहीं है, इतना डिफरेंट लुक, डिफरेंट गाना, सो आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोजेक्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। आप क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा रिस्पांस मिला है अनुष्का जी के साथ, आप काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ काम करके कैसा रहा है? एज ए सेड मेरे को मतलब काम करके बहुत अच्छा लगा, मेरे को लगा नहीं है कि हम लोग पहली बार शूट कर रहे हैं, एंड सेकेंडली मतलब एज एक्सपेक्टेड सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड सब लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। सेट की अगर हम बात करें, सेट काफ़ी अच्छा सेट आप लोगों ने किया है, तो ये जो डिज़ाइन जो सेट का था उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकें क्या था, मतलब थोड़ा सेट मतलब काफ़ी खुश हुई। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक जब मैं शूट करता हूँ तो मेरे को होता है एज ए राइट माई सेल्फ, है ना, मतलब मैं अपने लिए खुद लिखता हूँ सारा कुछ, कभी खुद कंपोज करता हूँ, सो जैसे जैसे मैं लिखता हूँ या कुछ भी होता है तो इमेजिनेशन होती है ना, बीइंग ए राइटर इमेजिनेशन होती है कि ऐसा होना चाहिए। सो जो भी रहता है बाकी सारी टीम काम करती है, सो जो भी सोचा था वो हुआ फाइनल। बाकी अनुष्का है, वेल अनुष्का पंजाबन प्ले करके कैसा लगा, कितना एंजॉय किया ये पंजाबी कैरेक्टर प्ले करना? बहुत एंजॉय किया, इनफैक्ट मैं हूँ बंगाली बट आई वॉज बॉर्न इन रांची एंड एक साल बाद मैं पंजाब शिफ्ट हो गई थी फॉर वन ईयर, तो मैं जलंधर में रहती थी फॉर अ ईयर एंड वहाँ के जो वाइब्स है, तब मैं कुछ मैं बहुत छोटी थी याद करने के लिए, बट मैं जब भी पिक्चर्स देखती हूँ तो सब मेरे घर आ रहे हो रहे हैं, सबकी गोदी में मैं बैठी हूँ, एंड देन नाउ दैट आई प्ले अ पंजाबी कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे हमेशा से करना था कि मैंने इतने सारे डिफरेंट रोल्स किए बट मैंने कभी ऐसे प्रॉपर पंजाबी नहीं प्ले किया है, एंड जितने मेरे पंजाबी फ्रेंड्स हैं सब बहुत खुश थे इंक्लूडिंग मी। ऑन सेट शी इज सेइंग कि यार मैंने ना 2-3 साल से कोई वेडिंग अटेंड नहीं किया, सो जब फर्स्ट डे इसने मेरे को बोला तो उसके बाद माहौल थोड़ा और हैपनिंग हो गया था, मैंने कहा हम शूट तो करते करते हैं उसको शादी भी दिखाते हैं कि पंजाब में शादियां कैसी होती हैं, तो हमने बाद में वेडिंग एंजॉय की है। मैंने पंजाबी वेडिंग अटेंड की भी नहीं थी तो ये वाली तो मैंने वेल ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा किया एक्चुअली, एंड यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद नेक बिकॉज़ ही इज वेरी टैलेंटेड, जब भी जो भी गाना आता है इतना डिफरेंट, इतना वाइबी होता है कि आप पार्टीज कर रहे हो अचानक यू नो निक का गाना आता है तो आपको पता चलता है ये तो निक का गाना, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट नाउ आई हैव डन वन सॉन्ग। वेल नहीं, अनुष्का ने तो ऑलरेडी आपकी तारीफ कर ही दी है, बट आपसे जानना चाहेंगे इतने कम समय में इतने जल्दी जल्दी आप जो भी सॉन्ग्स लाते हैं बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं, व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट और इतने जल्दी जल्दी ये सब सॉन्ग्स आना कितना मतलब मेरे को अभी भी लगता है कि मेरे को टाइम लग जाता है, अकॉर्डिंग टू मी ये जल्दी नहीं है, मैं थोड़ी सी स्पीड और करना चाहूँगा अपनी, मतलब जल्दी जल्दी कर सकूँ सारा कुछ, इंस्पायर यही रहता है कि जो लास्ट किया है ना उससे बेटर करूँ, क्योंकि लाइक अगर कोई टाइम दे रहा है आपको ना, व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, अगर वो आपको टाइम दे रहे हैं तो इट्स लाइक वर्थ वॉचिंग होना चाहिए, राइट? अगर मैं उनके 4 मिनट ले रहा हूँ
तो उनके 4 मिनट से मैं आगे 4 घंटे उनके पॉजिटिविटी के साथ हैपनिंग रखूँ, तो मैं अपने आप को फिर आर्टिस्ट कंसिडर करूँ. सो दिस इज ऑल. वेल अनुष्का, यू नो यू आर एन इन्फ्लुएंसर एज वेल, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस भी करती हैं, लेकिन यू नो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपका कोई सॉन्ग आता है बहुत ही पॉपुलर हो जाता है, कितना यू नो मदद करता है एक इन्फ्लुएंसर होना आपके सॉन्ग को यू नो ये करने में, सक्सेसफुल बनाने में? डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है. एंड मैं जो भी फैंस हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माय फैंस, बिकॉज उनका जो कांस्टेंट अनकंडीशनल सपोर्ट और प्यार है वो मुझे हमेशा मिलता है. मैं जब भी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, मैं हमेशा उनका नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि वो एक्चुअली रीज़न है जिसकी वजह से एक तो मुझे मोटिवेशन मिलती है. नंबर वन, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ, शुरू होने से पहले मैं सोचती हूँ ये मैं अपने फैंस के लिए कर रही हूँ, एक यू नो एक अलग ही ड्राइव, एक अलग पैशन आपको मिलता है. सेकेंड, जब भी गाना आता है मुझे एक यू नो रहता ही है कि यू नो बस लोगों को पसंद आए, यू नो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना बेस्ट देती हूँ, उसके बाद तो यू नो फैंस के हाथ में. बट हमेशा वो बींग एन इन्फ्लुएंसर, बींग एन एक्टर, बोथ वेज इट हैज ऑलवेज हेल्प मी. एंड जो भी फैंस है मेरी इन्फ्लुएंसिंग की वजह से, इट ऑल्सो इंस्पायर्स मी, बिकॉज लोग अगर यू नो दे से कि दे लुक अप टू मी, देयर दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय मी, इट्स ऑल्सो ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी टू डू गुड प्रोजेक्ट्स सो दैट दे गेट इन्फ्लुएंस टू गुड थिंग्स, राइट? सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गेट टू डू बोथ एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट. नहीं आपने तो पंजाब फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी तरफ सॉन्ग लेकर आ रही है, क्या आपका इरादा है फिल्म करना पंजाबी इंडस्ट्री में? साथ साथ साउथ में भी काफ़ी अच्छी फिल्में बनती हैं, तो यहाँ पर आप क्या एक्टिंग के लिए आप देखना कैसे देखेंगे? आपकी जो वेब सीरीज थी वहाँ पर आपने अच्छी तरह से एक्टिंग की थी, काफ़ी लोगों ने सराहा था, जो रिव्यूज़ आए थे, तो क्या आपके आगे जो प्लानिंग है कि एक्टिंग को लेकर, क्योंकि जो भी इन्फ्लुएंसर है खाली सॉन्ग कर रहे तो ये कहीं ना कहीं खाली सॉन्ग के लिए व्यूज़ आ गया खत्म हो गया, बट दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एक्टिंग जो मेन उनका काम होना चाहिए, तो आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर हम प्लान करें चीज़ें तो उस वे में जाती नहीं कभी, कोई भी कुछ भी हो लाइफ में या आपके करियर वाइज, आपको भी प्लान करते हैं कि मैं सिर्फ ये करती हूँ या सिर्फ ये करूँगी या सिर्फ वो करूँगी, वो वर्कआउट नहीं होता. आई एम मोर ऑफ अ स्पॉन्टेनियस पर्सन इन लाइफ ऑल्सो इन जनरली, तो मैं बस देखती हूँ कि अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा ये अच्छी लगेगी लोगों को, लेट्स डू इट, या ये स्क्रिप्ट है कुछ चैलेंजिंग है, लेट्स डू इट, यू नो इट्स दैट फॉर मी. एंड मैं तब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लेती जब तक मुझे लगता नहीं कि कुछ अलग है, कुछ चैलेंजिंग है, कुछ बहुत अच्छा है. जैसे वो वेब सीरीज मैंने की थी दिस ईयर हैज़ बीन सो एक्सपेरिमेंटल फॉर मी ऑनेस्टली. मैंने इस साल मेरा शुरू हुआ था वेब सीरीज से, देन आई डिड अ कुकिंग शो, देन सडनली आई वेंट टू खतरो, एंड देन सॉन्ग्स केम आउट, सो आई डिड अनदर वेब सीरीज, सो इट हैज़ बीन डिफरेंट, बहुत यू नो इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी, एंड बहुत सीखने मिला मुझे इस ईयर, मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ जानने मिला. सो आई जस्ट रियली होप कि वे फॉरवर्ड भी ऐसे ही हो कि मैं सिर्फ एक चीज़ में नहीं अटकूँ, वेल लाइक आपने बहुत सारे दूसरे एक्टर्स के साथ में भी जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई है उनके साथ काम किया है, वेदर इट्स मायरा या फिर कोई और हो, अनुष्का में क्या अलग देखा आपने? अनुष्का में मेरे को लगा कि लाइक हम दोनों का नेचर जैसे मैंने बोला सेम है. मेरे को पहली बार लगा कि मेरे नेचर का बंदा मिला, कि मेरे को होता मैं बहुत पैशनेट हूँ चीज़ों के लिए, मेरे को शूट पे ऐसे नहीं होता कि लाइक ये अभी अगर मेरे को कोई 4 दिन रेगुलर करने को बोल रहा है सो आई एम ओके विद. सो हमारे साथ भी ऐसा था, हमने आगे 21 आवर्स कंटिन्यू शूट किया, तो वो था लाइक कि कोई बात नहीं ना करो आराम से बैठे हम लोग, करो ना. तो इट्स लाइक कि मेरे को ये लगा कि बहुत कंफर्टेबल थे आपस में, एंड फर्स्टली मैं बोलूँ कि अब तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस. वेल अनुष्का, पंजाब का फूड बहुत ही फेमस है, कितना फूड ट्राई किया है पंजाब जाकर? समझ सकती हूँ, और मेरे को निक सिखा रहा है बाय द वे, तो जब मैं सीख जाऊंगी, मैं सोच रही हूँ इसे बेसिक में नहीं बोलना चाहिए ना, एकदम मैं सीख जाऊँ अच्छे से तब मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि अरे गाइस सरप्राइज मुझे सिखा गया, तो निक मुझे भी सिखा रहा है, तो आई थिंक एक दो महीने में सीख जानी चाहिए थोड़ी. तो खाने के बाद ये तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, मैं सबके सामने तो बट जेनुइनली आई लव लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स कितना इंटरेस्टिंग है, मुझे ये बेस्ट लगता है इंडिया के बारे में कि exactly. इतनी कल्चर्स हैं, बिकॉज आई हैव बीन टू साउथ, आई वर्क इन साउथ ऑल्सो, आई वर्क हियर इन मुंबई एंड
मतलब नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, फिर अपना पंजाबी इंडस्ट्री तो एक अलग ही, यू नो, एंड पंजाबी फूड, आई तो लव पंजाबी, आई लव पंजाबी पीपल, आई लव पंजाबी म्यूजिक, आई लव एवरीथिंग अबाउट पंजाब, बिकॉज इट्स जस्ट, इट्स सो एनर्जेटिक, यू नो, आप ऐसे टायर्ड भी हो गए ना तो आप थकते नहीं हो, माहौल ऐसा है पंजाब का। मैं बोल रही हूँ, मैंने शादी अटेंड की है गाइस, देखो मेरे को। या बट इन्होंने जो भी पूरी टीम थी बैंग म्यूजिक की, पूरी उन्होंने मेरी बहुत ख्याल रखी है। हमने उन्होंने मेरे को सरप्राइज भी दिया, मेरा और मेरे पापा का बर्थडे हमने कभी एक साथ मनाया नहीं था। आई वॉज बॉर्न ऑन 4th August, हिज बर्थडे इज ऑन 22nd August, एंड उसके एक हफ्ते बाद हम शूट कर रहे थे। पहले हमारा प्लान था कि इसका बर्थडे पे शूट करना है, सो जस्ट कॉज ऑफ सम रीजंस वो डिले हो गया, तो बीच में पड़ा एकदम, यू नो, एकदम सेंटर मिडिल ऑफ ऑगस्ट, राइट। अनुष्का सिंह की मेरा बर्थडे है, फिर कैसे करेंगे ये एंड ऑल, तो हमने ऑलरेडी हमारा प्लान था कि चल बर्थडे उसका जो भी होगा हम शूट पे सेलिब्रेट कर लेंगे। फिर हमें बहुत एक्साइटेड थी, बट फॉर सम रीजन गॉट डिलेड, तो मिडिल ऑफ ऑगस्ट में शूट करते, बट सडनली जब हमारा शूट खत्म हो गया तो उन्होंने सरप्राइज दिया, मेरा और मेरे पापा का बर्थडे फर्स्ट टाइम हमने एक साथ मनाया, सो इट वाज रियली स्वीट ऑफ बैंक म्यूजिक पीपल। So as I mentioned earlier, I feel Nick has a very good vibe in his songs. He spreads like smiles and मतलब गाने सुन के आप खुश हो जाओगे, आप डांस करने का मन करेगा, है ना। सो जब भी मैंने म्यूजिक वीडियोज देखी है, सारे ऑल ऑफ हिज सॉन्ग्स आर सो सक्सेसफुल, लाइक 350 million. Why? Because people actually enjoy it. So that's why I always wanted to do a song with Nick, and this song specifically I chose because it was very different from what I've done before, and पहली बार लोग मुझे पंजाबी अटायर एंड पंजाबी वाइब में देखते, तो इसे मैंने ये लिया, एंड इट वर्क आउट रियली ग्रेट फॉर मी, एंड Nick has done a incredible job. So Anushka, you said it was a roller coaster for this, so upcoming movies या films आप करना चाहेंगे, same goes for Nick. Absolutely, I would, as I mentioned that I love taking challenges, I love doing different kind of work, and because of the pandemic I like my movies released, 2 movies released in Cannes, and I couldn't go there, so it was really heartbreaking. I just won an award also in a festival which was happening in Boston, and I got a Boston Film Festival award for best actress. I couldn't attend that, so it was really heartbreaking for me, but I'm very happy with the award, and maybe next year I could be there physically to take the award myself. So yeah, it's just going great, and you might see some new projects. Same question for you. आई एम वर्किंग ऑन द थिंग्स, मतलब अभी चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है, प्लान है काफ़ी कुछ, बट लाइक जैसे 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 मतलब मेरे को होता है कि जब भी करूँ जो भी करूँ वो परफेक्शन के साथ करूँ। एज आई सेड कि अगर कोई मेरे को टाइम दे रहा है तो वर्थ टाइम दे रहा हूँ, कि नेक्स्ट टाइम उसको ये ना हो कि यार इसकी चीज़ देख रहा हूँ, तो उसको कोई देख रहा हूँ तो वर्थ है। सो ऐसा सा काफ़ी सारी चीज़ों पर काम चल रहा है, सो as soon as possible. मुझे पता है कि किस पे काम चल रहा है, एंड ऑनेस्टली इट विल बी वर्थ द वेट, लाइक इट्स डूइंग रियली ग्रेट. थैंक यू सो मच. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू.